देखिए, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक डिस्कस कर लिया था कि भाई जावा क्या है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। इस पर्टिकुलर सेशन में अब हम एक और पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, और वो पॉइंट ये है कि भाई देखिए, जावा क्या है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये इसका पॉइंट था ना। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये तो हमें समझ में आ गया था, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है ये हमें जानना है ना। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा भाई, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हैं, आप लोग जानते हो क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? नो सर, ये किस चिड़िया का नाम है? नो सर, नहीं अच्छा, जानते। नहीं जानते। तो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है, एक प्रोग्रामिंग पैडिग्राम है या प्रोग्रामिंग टेक्निक है। ठीक है, तो आपने बोला सर ये प्रोग्रामिंग पैडिग्राम या प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या होती हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐसे आप बोल सकते हो, इट इज द प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी और प्रोग्रामिंग पैडिग्राम, और पैडिग्राम भी बोल सकते हो, या प्रोग्रामिंग टेक्निक बोल सकते हो। ठीक है, इट इज द प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी और प्रोग्रामिंग पैडिग्राम ठीक है, या प्रोग्रामिंग पैडिग्राम है, प्रोग्रामिंग पैडिग्राम या प्रोग्रामिंग टेक्निक लिख दो, आपके लिए और अच्छा लगे। ठीक है ना, तो इट इज अ प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी और प्रोग्रामिंग टेक्निक है ना, विच इज टेकन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, टेकन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड से ली गई है। मतलब ये एक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है जो रियल वर्ल्ड से ली गई है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये कहेंगे कि सर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है या प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या होती है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं बस आपको एक छोटा सा चीज़ बताऊंगा कि जैसे मान लो आपसे ये कहा जाए कि भैया आपके पास 1 से लेके 100 तक के नंबर हैं, और 1 से लेके 100 तक के नंबर का आपको सम निकालना है, सम है ना, 100 तक के नंबर का सम निकालना है। तो एक तरीका है कि 1 में 2 को जोड़ो, फिर 2 में 3 को जोड़ो, ऐसे ऐसे करके एक एक करके निकालो, या और भी कोई तरीका है तो आप लोग मुझे बताओ, और भी कोई तरीका है? 1 से लेके 100 तक के नंबर का अगर हमें सम निकालना है तो और भी कोई तरीका है? हम तो एक एक के जोड़ेंगे, 1 में 2 को जोड़ेंगे, 2 में 3 को जोड़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे जोड़ेंगे। बाकी कोई और तरीका तो आप लोग बताओ मुझे, पढ़े हो आप कुछ मैथमेटिक्स पढ़े हो आप लोग? प्लीज आप लोग यस और नो बोला करो, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। कोई तरीका है, पता है या नहीं पता है? बस यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तरीका है देव, आप भी बोला करो, सबको बोलना है, हमेशा सेशन इंटरैक्टिव होना चाहिए। यानी मैं बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ, आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, मुझे पता नहीं चलेगा पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। है तरीका, मैथमेटिक्स में होता है तरीका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसे बोलते हैं,
जेमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी जिसे बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी जिसे बोलते हैं। तो ये तरीके हैं, मैथ अगर आपने पढ़ा होगा तो पता है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये तरीका होता है। अगर आपको एपी जीपी एचपी नहीं आता तो एक नॉर्मल फॉर्मूला है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, समझ में आ रहा है? तो एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू अगर आप करोगे, एन इंटू एन और प्लस वन और डिवाइड बाई टू करोगे, तो इससे आप निकाल सकते हो, आपको एक ही करके जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या समझ में आया? जी समझ में आया कि अगर हमें, म्यूट कर लीजिए आप, अगर हमें एक से लेके 100 तक के नंबर का सम निकालना है, तो एक तरीका है कि हम मैन्युअली करें, एक तरीका है हम एक एक करके मैन्युअली करें, और एक मिनट, रवि म्यूट कर लो, म्यूट का ऑप्शन होगा। म्यूट हाँ किधर है सर? ये वाला कहाँ पे है सर? अच्छा, अब तो आवाज भी आने लगा तुम्हारा, यहाँ जी पे आ है देखो, मेरी रहे स्क्रीन दिख रही हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, इधर देखो, जी सर, ये माइक माइक सा बना है यहाँ पे, ये जहाँ कर्सर जा रहा है मेरा, ये वाला। हाँ, इस माइक पे अरे क्लिक करोगे तो म्यूट हो जाएगा फिर। हाँ, अब तुम म्यूट हो गए, ठीक है ना? अब तुम बोलोगे, चिल्लाओगे, कुछ भी नहीं सुनाई देगा, ठीक है? तो ठीक है, बाकी अब्बास आप भी हो ना लाइन पे? यस सर, हाँ ठीक है, बढ़िया। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि अगर एक से लेके 100 तक के नंबर का हमें सम निकालना है ना, तो एक तरीका था कि हम मैन्युअली जोड़ेंगे, एक तरीका है फॉर्मूले से जोड़ेंगे। अब फॉर्मूला में भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो मुझे यहाँ मैथ नहीं पढ़ाना है, मुझे आपको ये बताना है कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के तकरी टेक्निक मतलब तरीके बहुत सारे होते हैं, है ना? अब जैसे मान लो, मुझे आपको कहना, मुझे एक से लेकर 100 तक के नंबर का शॉर्टिंग करना है, तो आपने कभी सुना होगा हीप शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट। तो ये शॉर्टिंग के अलग अलग टेक्निक हैं। अरे भाई, एक सिंपल सा वर्ड में समझो कि एक काम को करने के 50 तरीके होते हैं, एक जगह पहुंचने के 4 रास्ते होते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रोग्राम को बनाने का मेथडोलॉजी होता है, मेथडोलॉजी होता है, जिसको हम मेथडोलॉजी या टेक्निक बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी एक प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है, समझ में आई बात? आपने कहा सर, और जिसको हम अप्रोच भी बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग अप्रोच, ठीक है ना? प्रोग्रामिंग अप्रोचेस, प्रोग्रामिंग अप्रोच टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग अप्रोच या प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। देखिए, आप लोगों को सी के बारे में तो पता होगा, तो जो सी लैंग्वेज है ना, वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी को फॉलो करती है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी की बात करें या प्रोग्रामिंग अप्रोच की बात करें, तो प्रोग्रामिंग अप्रोच बोलो, प्रोग्रामिंग अप्रोच और मेथोडोलॉजी, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं प्रोसीजरल ओरिएंटेड की, तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड भी एक मेथोडोलॉजी होती है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड, ठीक है? एक और मेथोडोलॉजी होती है जो मैं आपसे अभी ऊपर डिस्कस कर रहा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एक और मेथोडोलॉजी होती है जो आपको पता भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा कभी नहीं, आपने, एस्पेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है? अगर आप एक दूसरे वर्ड में अगर इसको समझना चाहते हैं, तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड को आप टॉप टू बॉटम अप्रोच भी बोल सकते हैं,
ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बॉटम टू टॉप अप्रोच भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली प्रोग्रामिंग की मेथडोलॉजी होती है। ठीक है, अच्छा, और एस्पेक्ट ओरिएंटेड भी बॉटम टू टॉप ही होता है, बॉटम टू टॉप ही होता है। ठीक है, तो आपने कहा सर, अच्छा एक जरा हम पॉइंट पे और आते हैं। आपने कहा सर जावा क्या है, जावा कैसी लैंग्वेज है? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी को फॉलो करती है। तो क्वेश्चन यह है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है? ठीक है, कई बार आप इंटरव्यू में जाते हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कि बताओ व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी या प्रोग्रामिंग पैटिग्राम या प्रोग्रामिंग टेक्निक, है ना, विच इज टेकन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड समझते हो आप लोग? रियल वर्ल्ड का मतलब समझते हो? रियल वर्ल्ड का मतलब जानते हो? हाँ जी बताइए, रियल वर्ल्ड का मतलब समझते हो? जो प्रेजेंट में चल रहा है। रियल वर्ल्ड का मतलब ऐसा बोल सकते हो ये पूरा संसार जहां पे हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड यस मतलब ये सर, पूरा संसार जो प्रेजेंट में है, जो पास्ट में है, जो फ्यूचर में है, सब कुछ। ठीक है सर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है या प्रोग्रामिंग पैडिग्राम है जो रियल वर्ल्ड से लिया गया है। ठीक, आपने कहा सर इसका काम क्या होता है, इसका का पर्पस क्या है। ठीक है, तो यहीं पे आप इसको बढ़ा के लिख सकते हो, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है ना, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर या डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। पता है अभी मैं आपको क्या बता रहा था, अभी मैं आपको बता रहा था जावा के बारे में कि भाई जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैंने आपसे बताया था भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारी होती हैं, मेनली तीन टाइप की होती हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल। तो जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसमें मशीन और असेंबली आती है, उनमें क्या कमियां थी? क्या कमी थी देव? कुछ कमी थी ना उसमें? उसमें कोडिंग बाइनरी में 0-1 में करनी पड़ती थी। नहीं, मशीन तो वो इजीली समझ लेता था बट वो ह्यूमन के द्वारा इजीली नहीं समझा जा सकता था। वेरी वही गुड। हमने उसको बाइनरी को डिकोड कर हाँ, पाते। फिर मशीन के बाद असेंबली आई, असेंबली में क्या कमी थी रवि? असेंबली में क्या कमियां थी? असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कमियां थी? असेंबली में कमी था कि यहां पे हमारे पास निमोनिक इंस्ट्रक्शन दिए गए थे 01 01 01, है ना, हर 01 के लिए निमोनिक इंस्ट्रक्शन थे जैसे ऐड, स्टोर, लोड। तो अब हमें 01 न याद करके इन निमोनिक इंस्ट्रक्शंस को याद करने पड़ते थे, ये कमी थी। तो इस कमी को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, जैसे कोबोल आया, फोरटान आया, पास्कल आया, है ना। लेकिन इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या प्रॉब्लमें थी? इन सब के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक हो गए, जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए, जैसे कोबोल बिजनेस पर्पस के लिए, फोरटान साइंटिफिक पर्पस के लिए, पास्कल कोबोल फोरटान को मिला के बनाया गया,
हर लैंग्वेज की अपनी रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन कर दी गई कि वो क्या कर सकते हैं। तो सोचा गया क्यों ना ऐसा काम करा जाए यार, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिस लैंग्वेज से हम किसी भी टाइप का प्रोग्राम बनाएं और किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर बनाएं। तो ऐसा करने के लिए है ना, उन्होंने एक एक जनरल पर्पस लैंग्वेज बनाया और जिसको हम मिडिल लेवल भी बोलते हैं, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बोलते हैं, और वो बना सी। और सी में ऐसी क्या कमियां थी कि जिसके वजह से सी प्लस प्लस आया या जावा आया। आप लोग जानते हो, जफर आपको पता है कि सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है? पता है इनमें ये सर डिफरेंस? हाँ जी। सी में लाइब्रेरी कम है सर, अच्छा, और इसके कुछ जो करेक्टर हैं वो भी कम है सी में। कैसे करैक्टर? कैरेक्टर सर जो मतलब प्री डिफाइन होते हैं लाइब्रेरी में। नहीं, ये नहीं रीजन है। प्री डिफाइन जो सबसे बड़ा रीजन है, मेजर रीजन है, वही चीज समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अगर ये सब पूछा जा सकता है आपसे, या आपको जनरल नॉलेज होना भी चाहिए, क्या डिफरेंट बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस? अब आप सोचोगे जावा में इनकी क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, आपको तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए, पहला जो रीजन है, पहला जो डिफरेंस है, वो है कि सी जो है ना, सी इज द प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पीएल मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। और सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस क्या है पता है आपको? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएल है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, यही डिफरेंस मेन है। तो अब बात ये आ रही है, अब देखो कहीं ना कहीं घूम फिर के मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो बात यहां से शुरू होती है, सर जावा कब आई थी? 95 या 96 में आ गई थी। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जेम्स गॉसली ने बनाया, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जावा से पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो ऑलरेडी थी, सी प्लस प्लस। और सी प्लस प्लस से भी पहले ऑलरेडी लैंग्वेज थी जो बहुत अच्छी थी और जो कि जनरल पर्पस थी। यू नो सी इज द वेरी फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये दुनिया की ऐसी पहली लैंग्वेज है जो हर जगह, हर एरिया और हर फील्ड में है। मतलब सी का यूज करके आप हर तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। इवन सी से भी वेबसाइट बनती है, सी से भी ऐप बनती हैं, सी से भी सारे काम होते हैं, है ना। इसलिए इसे सबसे पहली जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोली गई, मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बोले गए, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोली गई। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी इम्प्लीमेंट हुई, और वो प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी थी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, प्रोसीजर ओरिएंटेड। ठीक है, तो इस प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में कुछ कमियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे, और जिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी आई। और इसी मेथोडोलॉजी का यूज करके आजकल सारी लैंग्वेजेस बनाई जा रही हैं। ठीक है, और वही अगर आप प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बीच में डिफरेंस जान जाएंगे, तो आप सी सी प्लस प्लस में डिफरेंस अच्छे से जान जाएंगे। लेकिन लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सबसे पहले है ना, सिमुला, सिमुला नाम की टेक्नोलॉजी, सिमुला नाम की लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करा गया था, है ना। तो सिमुला इज द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, इज द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, समझ में आई बात? अच्छा, आप लोग जब कोई चीज पढ़ते हो तो क्या आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आते? आने चाहिए। अगर नहीं आते तो आप अपने पढ़ने का तरीका बदलो, आप अपने पढ़ने का तरीका बदलो, और पढ़ाई ऐसे ही होती है। और जब इस तरह से पढ़ोगे ना तो एक दिन मास्टर बन जाओगे आप। क्या सर, जावा के हर किताब में लिखा जाता है कि जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर मेरे से कोई पूछता है कि यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, तो इनके बारे में मैं बता पाऊँ, ये आपका कंसर्न होना चाहिए। ये चीज़ अभी जावा को लेके नहीं, हर टॉपिक को लेके आपको समझना है। कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछूं तो क्यों कैसे दिमाग में आना चाहिए, हाउ एंड व्हाई, ये हमेशा आना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी कुछ माइंड में आ रहा है, मेरे माइंड में आ रहा है यार, मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, क्यों ये आ रहा है कि मुझे ये जानना है कि यार ये सबसे पहले तो ये जानना है कि प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी होती क्या है। तो मैंने बताया कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जैसे अलग अलग टेक्निक होते हैं, है ना, कि जैसे मान लो 1 से लेकर 100 तक के नंबर को मुझे सॉर्ट करना है तो सॉर्टिंग के अलग अलग टेक्निक हैं। मैथमेटिकल एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, टेक्निक बोलते हैं। उसी तरह से इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम मैनर, अगर मुझे कोई भी XYZ, मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई प्रोग्राम बनाना है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी अपनी एक मेथडोलॉजी होती है। और प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेचर डिफाइन करती हैं कि वो किस तरह से वर्क करेगा। तो सी प्रोसीजरल ओरिएंटेड मेथडोलॉजी को सपोर्ट करता था। ठीक है, तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड मेथडोलॉजी में ऐसी क्या कमी थी या इसमें कैसे काम होता था जिसके वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी आ गई, है ना? सबसे बड़ा चीज ये वाला पॉइंट, ये देख रहे हो आप, कौन सा पॉइंट है? रियल वर्ल्ड। अभी मैंने आपको कल लास्ट टाइम पे कुछ पढ़ाया, मे भी कुछ भी आपको पढ़ाया तो वो चीज आप तुरंत भूल सकते हो। कुछ भी आपको मैंने पढ़ाया, समझाया, सिखाया, वो भूल सकते हो। और आप अगर चीजों को ना भूलो तो उसका क्या तरीका है, कैसे चीजों को याद करा जा सकता है? आप तीनों लोगों को एक तरीका बताइए। लिख कर सर। लिख कर, बिल्कुल सही बताया तरीका आपने। और कोई तरीका? ठीक है, बढ़िया। जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके। रवि, आपके पास भी कोई तरीका है? उनके पास कोई तरीका नहीं है, वो बोलेंगे ही नहीं। मैं बताता हूँ, चीज़ों को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके, रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से अगर चीज़ों को रिलेट कर दोगे ना तो चीज़ें कभी ज़िंदगी में नहीं बोलेंगी। एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, जैसे जैसे मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा, ASSS, फिर लिखा मैंने ASSS, ठीक है ना, NATION, तो ये जो मैंने वर्ड लिखा है दैट इज नथिंग बट एसेसिनेशन। एसेसिनेशन एक स्पेलिंग है, एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है, मारना, हत्या करना किसी का, ठीक है ना। चलिए, अब ये इतना बड़ा वर्ड की स्पेलिंग मुझे याद है, मैं
मैं एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, आप देखते होगे, फिर वो वर्ड में अपने आप सही हो जाता है, ऑटो कंप्लीट हो जाता है, ग्रामर वगैरह ऑटो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा वर्ड मुझे याद है, कैसे याद है? लिख के, रिवाइज करके। ठीक है, आपका बिल्कुल परफेक्ट जवाब था, लेकिन एक और तरीका उसमें ऐड कर लीजिए, रियल वर्ड से रिलेट करके। और वो रिलेशन क्या था? ESS का मतलब होता है गधा, फिर दूसरे ASS का मतलब होता है गधा, और I का मतलब मैं, और नेशन का मतलब राष्ट्र। तो इसको मैंने कैसे याद कराया है कि भाई गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर गधा, और गधे के ऊपर मैं, और मेरे ऊपर राष्ट्र। ये तरीका है, इसको मैंने ऐसे याद किया है। अब इस तरह से अगर मैं इसको याद कर रहा हूं, या ऐसे किसी भी चीज को बड़े, अभी मैं कुछ दिन पहले, पता है, मैं एक बंदे को केमिस्ट्री पढ़ाते हुए देखा, यूट्यूब पे देखा, और वो पता है पीरियाडिक टेबल जो है होती है ना, वो भूल जाता है लोगों को। उसने ऐसे एक एग्जाम्पल पता नहीं क्या बना के दिखाया ऐसे कि भाई, और वो भी ऐसा एग्जाम्पल जो आप याद कर सको, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ऐसा ही कोई एग्जाम्पल कि भाई ये गर्लफ्रेंड के अंदर ये, वो गर्लफ्रेंड शादी होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, मतलब वो अभी तो मुझे भूल गया, लेकिन वो जो तरीका था, मैं क्योंकि ध्यान दिया नहीं उस टाइम पे मैंने, बट वो जो तरीका था, उस तरीके से अगर चीज़ों को पढ़ा जाए, समझा जाए, तो मुझे नहीं लग रहा है चीज़ें बहुत टफ होगा। और हमें क्या है, स्टार्टिंग से क्या करा जाता है, हटाया जाता है, ये याद कर लो, ये टेबल याद कर लो, ये चीज़ याद कर लो। आए दिन आप देखते हो कि यूट्यूब फेसबुक पे टेबल को याद करने का, या है ना, कोई टीचर आपको बताता है कि देखो ऐसे ऐसे करो, टेबल बहुत जल्दी याद हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से अगर आप चीज़ों को रियल वर्ड से रिलेट, अब जैसे देखो प्रोग्रामिंग है, आज अगर मैं आपको अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूँ, जावा स्टार्ट करूँ, और पहले दिन से, फर्स्ट डे से प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर दूँ, और कुछ भी ABCD ना आपको बताऊँ, एकदम आप गोल गोल घूमने लगोगे। अगर मैं प्रोग्राम को, अगर मैं पढ़ाने के तरीकों को इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, है ना, तो वो थोड़ा सा आपको मज़ेदार लगेगा, तब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ। नहीं तो कोडिंग, हमें तो बहुत पहले सी जब हमने स्टार्ट किया था, हम लैब में जाते थे, ब्लू कलर की स्क्रीन दिखती थी, उसके बाद लैब छोड़ के भाग जाते थे, दिखते ही नहीं थे, क्यों? बहुत कठिन लगता था पहले दिन से, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम बड़ा कठिन। उसको थियोरेटिकली समझाया जाए, पहले स्टार्टिंग उसका बनाया जाए, उसका बेस तैयार करा जाए, और पढ़ने का तरीका बताया जाए, तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाएंगी। और पता है, जावा से पहले, सॉरी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड जब प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी थी ना, उसमें यही कमी थी। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट प्रोसीजरल ओरिएंटेड मेथोलॉजी में आप ऐसे चीज़ों को रियल वर्ड से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, कि चीज़ों को रियल वर्ड से कनेक्ट करके रियल वर्ड का एग्जाम्पल लेके चीज़ों को समझो, वो नहीं कर पा रहे थे। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोलॉजी के क्रिएटर्स थे ना, उनका पर्पज़ यही था, उनका पर्पज़ यही था, यार ऐसी कोई मेथोलॉजी बनाओ ना जो ऐसे रियल वर्ड से रिलेट करके रखे, और प्रोग्रामिंग ईजी बनाए, टफ ना बनाए, इसके अंदर कंसेप्ट बनाओ, और जो कंसेप्ट रियल वर्ड से लिया गया हो, उसमें ऐसा ना हो कि कंसेप्ट ऐसा हो कुछ कि मतलब इधर उधर से XYZ जगह से लिया गया हो, उसे समझने में टफ हो। भाई सी प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉलो करती है, और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी में होता है स्ट्रक्चर, पॉइंटर, NM वगैरह वगैरह, ऐसे टॉपिक सुन के ही एकदम दिमाग घबरा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हैं? ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे वर्ड रियल वर्ड से लिए गए। आपने कहा इसको भी तो सुन के हमारा दिमाग घबरा जाता है, नहीं, ये सारे वर्ड को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो ऐसे रियल वर्ड की एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि आपको जिंदगी में नहीं भूलेंगे ये सारे टर्म, ये सारे वर्ड। मे भी आपको सारा चीज भूल जाए, लेकिन ये एसेसिनेशन वाला एग्जाम्पल नहीं भूलेगा। और फिर जब आप एसेसिनेशन वाला एग्जाम्पल याद रखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा उस दिन सर ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब समझाया था। समझ में आई बात? ये तरीका है। तो सी प्रोसीजर ओरिएंटेड मेथोलॉजी को फॉलो करती थी,
जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सबसे पहले सिमुला में लॉन्च करा गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पर्पस था चीजों को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करो, जिसे प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाई हो, सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, सिंपल बने सॉफ्टवेयर। रियल वर्ड से चीजों को कनेक्ट करोगे, जैसे जैसे अगर मैं एक वर्ड होता है ऑब्जेक्ट, सुना है कभी ऑब्जेक्ट? है भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है ना? ऐसे लिख देता हूं मैं, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी देयर आर सो मेनी कंसेप्ट। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी वी हैव सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, लाइक व्हाट आर द कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट, क्लास, दीज आर द कंसेप्ट बेसिकली, ऑब्जेक्ट, क्लास, ठीक है, और इनकैप्सुलेशन, और ऑब्जेक्ट क्लास इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट क्लास इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन एटसेट्रा, कलेक्टिवली 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 ऑल द कंसेप्ट, कलेक्टिवली ऑल द कॉन्सेप्ट आर कॉल्ड ओ ओ पी एस, एपोस्ट्रॉफी एस है, इसको हम ऊप्स बोलते हैं। ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। पता है कई लोग ऊप्स का फुल फॉर्म बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो मैं आपको बताऊं, जैसे पेरेंट्स हम बोलते हैं ना, पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब माता पिता दोनों, सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा होगा, है ना, एक वचन बहुवचन। तो बिल्कुल उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोलॉजी है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मेथोलॉजी है उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं। कौन कौन से कंसेप्ट हैं? लाइक ऑब्जेक्ट नाम का कंसेप्ट है, क्लास नाम का कंसेप्ट है, इनहेरिटेंस नाम का कंसेप्ट है। तो इन सारे कंसेप्ट को मिला के कलेक्टिवली हम ऊप्स के नाम से इसे जानते हैं। ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स बिकॉज दे हैविंग सो मेनी कंसेप्ट इनसाइड इट, ठीक है। एंड अब एक पॉइंट और लिख देते हैं, इफ इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी पीएल हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैविंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या ऑल द फीचर्स बोलो ऑफ ऊप्स, है ना, इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैविंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑल द फीचर ऑफ ऊप्स कॉल्ड कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ आई बात? तो आपने तीन चीजें जाना, पहला आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब जाना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मतलब के साथ साथ आपने ऊप्स के बारे में जाना, ऊप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप्स? कौन बताएगा मुझे ऊप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? हाँ जी बोलिए। और क्लास बिल्कुल सही है। और
इनहेरिटेंस, ये सारे हैं सारे जो ऑप्शन लिखे अभी। यस दे आर ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होप्स दे आर ऑल और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके पास होप्स की सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा इज वन ऑफ देम। ठीक है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, हम प्रोसीजर ओरिएंटेड क्यों नहीं पढ़ते, या प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या कमियां थी, जरा इसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए मान लो डेवलपमेंट एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, चलो डेवलपमेंट कंपनी को छोड़ो, एक रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से बताता हूं आपको ये नहीं भूलेगा। जैसे मान लो कि रवि आप बाहर रहते हो ना, यहां बाहर रह रहे हो और आपको क्या करना है ना, आपको भाई बाहर रहते तो खाना बना के ही खाना होता है। अब आपको आप दो तीन लोग मिलके साथ में रह रहे हो और आपको अचानक भूख लगी, भूख लगना आपका एक टास्क है, एक टास्क है, एक फंक्शनलिटी है। अब ईट नाम की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए, खाना खाने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। एक तरीका है कि हम मैन्युअली बना के खाएं, मैन्युअली मेड करें, बनाएं और देन खाएं। दूसरा तरीका है कि हम होटल चले जाएं और तीसरा तरीका है गो टू होटल और तीसरा तरीका है होटल में नहीं जाएं क्या ऑर्डर कर दे भाई स्विगी, आजकल स्विगी का जमाना है। ठीक है जी स्विगी कर दिया हमने। तो यानी कि एक फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के ये तीन तरीके, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने तीन तरीके बताए ऐसे ही आपके पास डेवलपमेंट कंपनी में आया क्या बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर को बनाने के हमारे पास कितने तरीके, तीन, प्रोसीजरल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड एस्पेक्ट ओरिएंटेड। यू कैन कंपेयर प्रोसीजरल विद मैनुअल अप्रोच, ऑब्जेक्ट इज गो टू होटल अप्रोच एंड एस्पेक्ट ओरिएंटेड इज ऑर्डर अप्रोच। सबसे बढ़िया तरीका कौन है, एकदम तो ये ऑर्डर ही कर दो, कुछ ना करना पड़े, भले पैसा लगेगा ठीक है, पैसा लगेगा लगेगा भाई, लेकिन कुछ करना तो नहीं ना है। मैनुअली बनाएंगे, तीन दोस्त हैं मिल के बनाएंगे, पता नहीं कैसा बनेगा, हो सकता है नमक ही ज्यादा हो जाए, हो सकता है स्वाद ही ना आए। चलो बनाने बैठे, अचानक सिलेंडर खत्म हो गया, एक बंदा चला गया सिलेंडर लाने, दूसरा बंदा सब्जी लाने, तीसरा बंदा खाना बनाने के लिए इंतजार कर रहा है, सब्जी आएगा फिर कटेगा फिर बनेगा है? तो अगर ऐसी समस्या आ सकती है, हाँ ऐसा समस्या आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, गैस सिलेंडर वाला जो बंदा है वो ला रहा था रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, आधे घंटे से वेट कर रहा है, ट्रैफिक खुल ही नहीं रहा है और उसके चक्कर में आप वेट कर रहे हो, क्योंकि जब तक ऐसा है कि नहीं खाना बनेगा नहीं, तो मतलब एक बंदे की दूसरे पे डिपेंडेंसी हो गई। और चूंकि यहां पे काम मैन्युअली करोगे आप, पहले सारा सामान आएगा, सब्जी कटेगा, फिर गैस आएगा, फिर खाना बनेगा, फिर खाओगे, समझ में आई बात। तो जब काम मैन्युअली करोगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा और पैसे भी, हो सकता है पैसे थोड़ा कम लगे, लेकिन टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ज्यादा लगेगा, पैसे ज्यादा लगेंगे और मेहनत तो लगना ही लगना है। तो भाई बताओ क्या ये तरीका सही है? हाँ क्वालिटी होगी, चलो बहुत सारे फायदे भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भैया इस पर्टिकुलर काम को करने में डिफिकल्टीज बहुत आएंगी। उसी तरह से और अगर होटल में ही जाना है तो कुछ करना ही नहीं है, आपकी फंक्शनलिटी ईट, आप गए खा के आ गए,
उसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जब सॉफ्टवेयर डेवलप होने जाता है ना, तो भाई एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पूरी टीम बैठती है और एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का पूरा साइकिल फॉलो करा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था, जिसको हम बोलते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें ये सारा काम करा जाता है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एनालिसिस फिजिबिलिटी स्टडी डिजाइनिंग कोडिंग टेस्टिंग मेंटेनेंस, सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। तो अगर मान लो कि ये पूरा काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा है और चार लोग एक कोड को डेवलप कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन को बना रहे हैं, तो यार ऐसे डिफिकल्टीज हो सकती है, ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं कि भाई, एक मिनट रुकिए, तो जब आप मैन्युअली काम करते हो तो आपने देखा रियल वर्ल्ड में काम करने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, या जो समस्या है, जो परेशानी आपको उस काम को करने में लग रहा है, वही सेम चीज आप सॉफ्टवेयर में जोड़ लो कि भाई एक सॉफ्टवेयर है आपको बनाना है, तो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पूरी टीम बैठ गई, तीन लोग बैठ गए, एक का काम है लॉगिन पेज डिजाइन करना, एक का काम है रजिस्ट्रेशन करना, एक का काम है कनेक्शन बनाना। अब किसी ने कनेक्शन बना के दिया ही नहीं तो लॉगिन हो ही नहीं पाएगा, डेटाबेस कनेक्शन तो जरूरी है। उसका काम है डेटा, DBA का काम है टेबल बना के रख देना उसके लिए, अब DBA हमारे पास आई नहीं, छुट्टी मार दिया, या वो रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया, या कुछ भी है। तो मतलब हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि एक की दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं हो, पहला चीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि भाई टाइम टेकन प्रोसेस नहीं हो, जल्दी हो जाए। तीसरा, और हर बंदा इंडिपेंडेंट हो, मॉड्यूल वाइज काम करे, जिस चीज पे वो काम कर रहा है अपना अकेले करे, है ना, और मानी मॉड्यूलरिटी हो, ठीक है, सिंपल हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, मॉड्यूलरिटी हो, फिर और एक की दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं हो, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो भाई वो सॉफ्टवेयर डेवलपर या वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जहां पे भी हो रहा है, इसका मतलब वो परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा होगा, काम वो बहुत अच्छे तरीके से करेगा, है ना। लेकिन अब जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चूंकि वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड को फॉलो करती थी और प्रोसीजरल ओरिएंटेड में यही सारी कमियां थी, यही सारे ड्रॉबैक थे, है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि भाई प्रोसीजरल ओरिएंटेड जो मेथोडोलॉजी थी, इसमें कमी क्या थी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम विथ प्रोसीजरल ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड। अच्छा, ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जो उस चीज से ओरिएंट हुआ हो, बना हो, दैट इज ओरिएंटेशन, है ना। पहला 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 जो समस्या थी, जो सबसे बड़ी समस्या थी, है ना, नॉट कनेक्टेड विद रियल वर्ल्ड, ठीक है, ये आपको जरूर इंटरव्यू में बोलना चाहिए कि भाई वो रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं होता था, चीजों को समझना उतना आसान नहीं होता था। ऐसे एग्जांपल दे के दे लो कोई भी, जैसे मैंने एसेसिनेशन वाला दिया, ऐसे कुछ भी, कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड टू रियल वर्ल्ड, उसके वजह से चीजों को समझना कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्सिटी थी, डिपेंडेंसी थी, डिपेंडेंसी थी एक मॉड्यूल के दूसरे मॉड्यूल पे, ठीक है, नो मॉड्यूलरिटी, डिपेंडेंसी है तो मॉड्यूलरिटी नहीं होगी, ठीक है। तो डिपेंडेंसी को ही एक और वर्ड में हम जानते हैं, दैट इज टाइट कपलिंग, टाइट कपलिंग, है ना। तो नो मॉड्यूलरिटी, नो रियूजबिलिटी, रियूजबिलिटी नहीं थी, मॉड्यूलरिटी नहीं थी, रियूजबिलिटी नहीं थी, और एक बड़ा बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज था, डेटा, नो डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग नहीं होती थी वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से करके हाइडिंग, ठीक
ठीक है ना, इस तरह से करके बहुत सारी कमियां थी आपके प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के साथ। अब प्रोसीजर ओरिएंटेड को ऐसे समझ सकते हो कि कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट आया, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब SDLC में आपका वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था, पहले रिक्वायरमेंट आएगा, बिजनेस एनालिसिस होगी, है ना, फिजिबिलिटी स्टडी होगी, डिजाइनिंग होगी, कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगा, मेंटेनेंस, तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। यानी कि अगर कोई काम आता है तो उसको टॉप लेवल से लेके ऐसे बॉटम लेवल पे आके पूरा मैनेज करा जाता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टॉप टू बॉटम अप्रोच। मतलब यहां स्टेप बाय स्टेप काम होगा। अगर कोई काम आता है तो पहले उसकी एनालिसिस होगी, फिजिबिलिटी स्टडी होगी, डिजाइनिंग होगी, देन जब पूरी डिजाइनिंग समाप्त, देन कोडिंग वाले फेज में आओगे, देन जब पूरी कोडिंग फिनिश, देन टेस्टिंग वाले फेज में आओगे, देन फीडबैक, देन मेंटेनेंस। तो टॉप लेवल से चल के बॉटम लेवल पे एक के बाद एक के बाद एक आप आते हो, जिससे टाइम ज्यादा लग जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है। समझ में आई बात? तो इसीलिए इसको टॉप टू बॉटम अप्रोच भी बोलते हैं। यहां पे देखो ये क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट और यहां पे प्रेजेंटेड के साथ टॉप टू बॉटम अप्रोच, तो ये टॉप टू बॉटम को फॉलो करता था, और टॉप टू बॉटम को ही हमारा वाटरफॉल मॉडल भी फॉलो करता था, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, वाटर वाटरफॉल मॉडल। ये वाटरफॉल मॉडल टॉप टू बॉटम को ही फॉलो करता था। देखिए ये ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, तो सॉफ्टवेयर को बनाने में टाइम ज्यादा लग जाता था। बात समझ में आ रही है? तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचा गया हमारे पास कोई ऐसा मॉडल लाया जाए, कोई ऐसा अप्रोच लाया जाए जहां पे ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं हो, है ना, जो चीजों को हम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो, सिंपल हो, एक मॉडल के दूसरे मॉडल पे डिपेंडेंसी नहीं हो, मॉड्यूलरिटी हो, रियूजेबिलिटी हो, डेटा की सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी वहां नहीं होती थी। सी में अगर मैं प्रोग्राम की बात करूँ, तो सी के अंदर आप प्रोग्राम बनाओ, तो सी के अंदर फर्स्ट प्रोग्राम आपने बनाया होगा, सीधे आपने ओपन करा अपना एडिटर और हैश इंक्लूड वाइड मेन, और मेन के अंदर आपने प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। और कई बार हमें ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए मेन के ऊपर हम वेरिएबल बना के छोड़ देते थे, तो वो वेरिएबल अगर इंटरनेट पे जाते थे ना, तो वो उतने सिक्योर नहीं माने जाते थे, या कहीं पे भी अब उस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ कह सकते हो सिक्योरिटी नहीं थी, वो डेटा सेफ नहीं था, उस पर्टिकुलर डेटा को कहीं से भी कोई एक्सेस कर सकता था। और अगर सी के अंदर स्ट्रक्चर या कुछ ऐसे टॉपिक हम पढ़ते थे जिनका यूज करके हम अपना यूजर डिफाइंड डेटा बनाते थे, तो स्ट्रक्चर के अंदर डेटा पब्लिक होता था। अब स्ट्रक्चर के अंदर डेटा पब्लिक होने की वजह से उस पर्टिकुलर डेटा को प्रोग्राम के बाहर भी ले जाया जा सकता था, स्ट्रक्चर के बाहर, स्ट्रक्चर के बाहर मतलब प्रोग्राम के बाहर, कोई भी डेटा को कहीं भी ले आके एक्सेस करे, दैट्स वाई नो डेटा हाइडिंग भी वहां पे था, ये फीचर नहीं था। और तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा ही कोई फीचर चाहिए था कि जो हमें क्या करे, हमें हमारे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करे। और वो सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकता है, सबसे बड़ी चीज कि कोई एक नया मेथोडोलॉजी लाके, कोई नया अप्रोच लाके जो सॉफ्टवेयर को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करे, डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करे, और उसके जितने भी कंसेप्ट हो समझना आसान हो, प्रोग्राम मॉड्यूल वाइज लिखी जा सके, है ना, हर बंदा अपना अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट मॉड्यूल में बैठ के काम करे, और चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए रेडीमेड लाइब्रेरीज पड़ी हो उसके अंदर। जैसे जफर, इन्होंने बोला, जफर ने बोला कि भाई, मैंने पूछा सी सी प्लस में क्या डिफरेंस है, तो इन्होंने कहा कि सी प्लस में ज्यादा लाइब्रेरी है, तो ये भी एक पॉइंट है। सी प्लस प्लस क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोलॉजी को फॉलो करता है ना, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है ना, चीजें रेडीमेड बनी बनाई होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको, ये वाला एग्जाम्पल दिया कि भाई यहाँ पे रेडीमेड आपको मिल जाता है, आप होटल में खाना खाने जाते हो, आपको चीजें रेडीमेड मिल जाती हैं। तो उसी तरह से अगर कोई काम हमें करना है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में चीजें रेडीमेड भी बना के दे दी गई है, बहुत सारे चीज, बहुत सारे काम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको डब्ली लिंक्ड लिस्ट बनानी है,
तो डबली लिंक लिस्ट अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बनाना है सी में, तो सी में इसके लिए आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपको एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, और फिर उसे देखना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, उसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी पड़ेगी कि भाई वो सही भी है या गलत है, इस आपको चेक करना पड़ेगा, है ना, उस कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और वही लिंक्ड लिस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मेथोलॉजीज हैं, जैसे जावा तो है, तो जावा में अगर वही काम करोगे तो एक लाइन के कोड से हो जाएगा, लिंक्ड लिस्ट एल इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट लिखने से आपके लिंक्ड लिस्ट डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट रेडी हो जाएगा। अब बस आप उसके बने बनाए मेथड एल डॉट समथिंग कॉल करते चले जाओ, यानी कि बस आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोलॉजी में ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए अपना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड जो फंक्शंस हैं बने बनाए हैं। फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव एंड देन यू हैव टू कॉल द पर्टिकुलर फंक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, राइट। योर ऑब्जेक्टिव इज यू हैव टू ईट, सो यू 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 आर द ऑब्जेक्ट, योर फंक्शन इज द ईट, सो यू कैन डायरेक्टली गो टू द होटल एंड ईट, डन डन द ईट फंक्शनलिटी। तो इन द सेम सिनेरियो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोलॉजी में यहाँ पे मतलब इसकी बात करें, तो यहाँ प्रोग्रामिंग की बात करें, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाई कैसे होगा, क्योंकि एक है ना, अब इसके सारे एडवांटेजेस, यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्यों कॉम्प्लेक्सिटी थी, ये कॉम्प्लेक्सिटी इसके मामले में भी थी कि यहाँ पे चीज़ों को बनाना है, जैसे खाना बना के खाना है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे चीज़ों को बनाना है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि भैया ये लॉजिक लिखना है, और अचानक आपको प्रोडक्ट लेवल पे जरूरत पड़ गई कि भैया आपको ये काम करके दिखाना है, तो आपको वो पर्टिकुलर लॉजिक को सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको थ्रेड की जरूरत पड़ गई, आप सी में थ्रेड चलाओ, थ्रेड के लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थ्रेड के लिए पहले आपको 10 दिन बैठ के कोड करना पड़ेगा, है ना। और वहीं पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोलॉजी है वो कहती है नहीं, चीज़ें हम रेडीमेड बना के दे देंगे, बस आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, बताओ कितने ऑब्जेक्ट हैं, और जितने भी ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करोगे उन सब के लिए रेडीमेड फंक्शनलिटी भी बनी बनाई है। ऑब्जेक्ट पे फंक्शन को कॉल कर देना है, सब उसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसीलिए इसका नाम है। प्रोसीजर ओरिएंटेड का नाम प्रोसीजर ओरिएंटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे काम स्टेप बाय स्टेप है, इसके नाम के भी पीछे कुछ मतलब है, क्योंकि यहाँ पे काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा था इसलिए इसका नाम प्रोसीजर ओरिएंटेड है। यहाँ पे चीजें क्या है, इसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है, ये इसका भी कहानी है, इसकी भी कहानी है ना। लेकिन कहीं ना कहीं भाई प्रोसीजरल, प्रोसीजर हम किसे बोलते हैं, प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप काम का होना, दैट इज प्रोसीजर। लेकिन अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, इसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब ये अप्रोच बना रहे थे तो उनके माइंड में ये था कि हमारे पास ऐसा कोई अप्रोच हो जो रियल वर्ल्ड से लिया जाए और सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करे, और अगर हम कोई अप्रोच बनाएंगे और सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई लोगों को कम से कम कंसेप्ट याद भी करने पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट होंगे चीज़ों को समझना टफ होगा। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे, मिनिमम कंसेप्ट होंगे। तो इसीलिए ऑप्स के अंदर कंसेप्ट ही कितने हैं, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, इनकैप्शन, पॉलीमॉर्फिज, यही इतने कंसेप्ट है, इतने पढ़ लिए तो पूरा ऑप्स खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले, ध्यान से मेरी बात समझिए, सबसे पहले इन्होंने सोचा कि जैसे प्रोसेसर ओरिएंटेड में क्या है ना, जब कोई सॉफ्टवेयर आप बनाने जाते हो तो डायरेक्ट अपना लॉजिक स्टार्ट कर देते हो, वाइड मेन बनाया, लॉजिक स्टार्ट कर दिया, प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे था, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जब कोई भी बंदा कोई लॉजिक लिखने जाता है तो वो क्या है, वो किसी बंदे का टास्क है। अब ये टास्क ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, किसी भी टाइप का टास्क हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप का काम हो सकता है। तो अगर इस टाइप का या किसी भी टाइप का कोई काम किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर को करना हो तो भाई कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर टास्क को, अब टास्क भाई सॉफ्टवेयर हम रियल वर्ल्ड के लिए बनाते हैं ना, रियल वर्ल्ड में चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं, मतलब फिजिकली उसका एग्जिस्टेंस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कोई ऐसा चीज़ के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो बिल्कुल हमारा एक इमेजिनेशन है। जैसे मेरा एक इमेजिनेशन है कि मेरी कंपनी 2020 में ओपन होगी, उसके लिए मैं ये
या 2025 में ओपन होगी, उसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ। तो जब हम कोई भी चीज़ या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं रियल वर्ल्ड के लिए, तो वो तो रियल वर्ल्ड का ही होता है। तो अब वो सॉफ्टवेयर किसी कंपनी का हो सकता है, किसी कॉलेज का हो सकता है, या किसी मॉल का हो सकता है, या किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो यार हर चीज़ के लिए अलग अलग नाम ना याद करके, अलग अलग नाम प्रोवाइड ना करके, क्यों ना हम एक ऐसा कॉमन नेम डिसाइड करें, एक ऐसा यूनिक नेम डिसाइड करें जो क्लास संसार में आने वाले। हाँ जी, चल हाँ जी, जो रहा संसार में आने वाले हर रियल वर्ल्ड एंटिटी पे अप्लाई हो सके। तो आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ, सोच के बताओ, या कल तक का टाइम ले लो, यार ऐसा कौन सा नाम है, ऐसा कौन सा वर्ड है संसार में जो हर चीज पे लगाया जा सकता है, हर जगह लगाया जा सकता है, हर रियल वर्ल्ड के एंटिटी पे वो अप्लीकेबल है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो अनटेंजिबल हो, जिसे हम देख सके, छू सके, महसूस कर सके, इमेजिनेशन हो, सब कुछ। या डिक्शनरी करना, गूगल करना, आपको ऐसा कोई नाम डिसाइड करना है रियल वर्ल्ड से जो संसार में आने वाले हर रियल वर्ल्ड एंटिटी पे एप्लीकेबल हो सके। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, आप खोजना भी, वो नाम आपको मिलेगा, ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बिल्कुल। देखा ना आपने कि ऑब्जेक्ट को मैंने कितने अच्छे से आपको समझाया। ऑब्जेक्ट इज एनी थिंग इन द रियल वर्ल्ड विच वी कैन सी, टच, फील एंड इमेजिन। ऑब्जेक्ट वर्ड ऑब्जेक्टिव से आया है। संसार में कुछ भी आपको करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ भी करना है, वो मान लेना आपका ऑब्जेक्टिव है, वो मान लेना आपका ऑब्जेक्ट है, और उसी पे ही आप अपना काम स्टार्ट कर देना। तभी तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। ये लाइन आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगी जो मैंने आपको अभी समझाया, जो मैंने आपको बताया। ये एक्सक्लूसिव सेशन है जो यहीं पे मिलेगी आपको, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट क्या होता है। वैसे ऑब्जेक्ट की कई डेफिनेशन है, और जब मैं हूप से स्टार्ट करूंगा तो ऑब्जेक्ट को कई तरीके से आपको समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन यहां से भी है, यहां से भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ये भी है। बट कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी में जैसे ऑब्जेक्ट रियल वर्ड से लिया गया है, ऐसे ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के रियल वर्ल्ड से ली गई हैं। ये सारी चीजें सोच समझ के ली गई हैं रियल वर्ल्ड से, इनको समझना बहुत आसान है। चलो एक और टर्म आपको समझाता हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड। अच्छा, ऑब्जेक्ट को जब समझा दिया गया तो बताया गया कि भाई ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट की, यानी कि आप भी ऑब्जेक्ट है, मैं भी ऑब्जेक्ट हूं, हवा भी ऑब्जेक्ट है, पानी भी ऑब्जेक्ट है, मोबाइल भी ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप भी ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। एंड हर ऑब्जेक्ट की तीन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, याद रखना, पहला स्टेट, दूसरा बिहेवियर, तीसरा आइडेंटिटी। स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं इसलिए क्योंकि इसे मुझे आगे भी बताना है। स्टेट मतलब डेटा मेंबर, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मेरा स्टेट है मेरा नाम, मेरा एज, मेरी लेंथ, मेरी ब्रेथ, मेरी हाइट, दीज आर द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिहेवियर मतलब फंक्शनैलिटी, मेथड, खाना पीना, उठना बैठना, दीज आर द फंक्शनैलिटी, मेंबर, फंक्शन। और तीसरा होता है आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या होता है? आइडेंटिटी, जैसे मेरा पैन नंबर, मेरा आधार नंबर, ये सब आइडेंटिटी है हमारी। तो हर ऑब्जेक्ट की तीन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग दीज थ्री करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, समझ में आ गया कि संसार में सब कुछ ऑब्जेक्ट है जिसका फिजिकल, लॉजिकल, टेंजिबल, अनटेंजिबल एग्जिस्टेंस है। एवरी थिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड। संसार में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, और एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर, एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर, जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाने जाएं तो उसको ऑब्जेक्ट मान लें और प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम।
ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, हर ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेट होती है, अपने बिहेवियर होते हैं, अपने आइडेंटिटी। जैसे हमारा, मेरा जो है अपना स्टेट है, आपका अपना स्टेट है, स्टेट मतलब डेटा, स्टेट मतलब यहाँ यूपी बिहार की बात नहीं हो रही है ना। तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेट, अपने बिहेवियर होते हैं, बट रियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी सेम स्टेट और सेम बिहेवियर होती हैं। आपको पता है रियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे जिनकी सेम स्टेट और सेम बिहेवियर होते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई कि भाई उन ऑब्जेक्ट्स को जो सेम स्टेट और सेम बिहेवियर वाले होते हैं, उनको कैटेगराइज करके क्या ऐसा नाम लिया जा सकता है जो रियल वर्ल्ड से हो? तो संसार में ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा नाम है जो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करता हो? सेम टाइप के ऑब्जेक्ट मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो सबके लिए कॉमन हो, कुछ ऐसे बिहेवियर जो सबके लिए कॉमन हो। जैसे मेरे पास मान लो सेम टाइप का बहुत सारे मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, नोकिया C5, बहुत सारे हैं। सेम टाइप की बहुत सारी बाइक हैं, सेम टाइप की मान लो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जैसे आप लोग हो, ठीक है। सबका अपना प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है, सबका अपना बिहेवियर है, बिल्कुल है, पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो सबके लिए कॉमन है, वो है क्लास सब्जेक्ट का नाम, वो है ट्रेनर का नाम, वो है प्लेस का नाम जहां से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। दीज आर द कॉमन स्टेट, कॉमन प्रॉपर्टी, और कॉमन बिहेवियर हो गया पढ़ना, वो भी क्या जावा। तो बताओ मुझे आप कि संसार में ऐसे जब कॉमन चीजें एक जगह आती हैं तो उसको किस नाम से हम डिनोट करते हैं? ऐसा कौन सा नाम है जिसने, क्लास यस क्लास क्लास, एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखो समझना आसान है ना, ये चीजें, ये सारी चीजें सोचा गया, रियलाइज करा गया, और ऐसे कंसेप्ट बनाए गए, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, जो भी कंसेप्ट हैं। तो ऊप्स के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी के अंदर, ये सब कंसेप्ट आने से प्रोग्रामिंग हो गई आसान, प्रोग्रामिंग हो गई सिंपल, और ये जो सारी कमियां थी, ये सारे मतलब प्रोसेसर के सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए, वो एडवांटेज बन गए, ठीक है ना। या सोल्यूशन या एडवांटेज बोलो किसके, आपके ऑब्जर्व जुड़ के। भाई ऑब्जर्व में क्या होता है, रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है, बिल्कुल इसी का उल्टा है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे समझ लो। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, सिंपल होता है। डिपेंडेंसी नहीं होती है, यहाँ पे चीजें मॉड्यूल वाइज तोड़ दिया जाता है, हर बंदा अपने अपने क्लास में काम करे, नो डिपेंडेंसी। यहाँ मॉड्यूलरिटी होती है, रियूजबिलिटी होती है इनहेरिटेंस के थ्रू। यहाँ डेटा हाइडिंग होती है, आप अपने क्लास के अंदर डेटा रख दो, क्लास के बाहर जाएगा नहीं, प्राइवेट बना के रख लो। बहुत सारे फायदे। तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के और क्या क्या फायदे हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अभी क्या समझ लिया, आपने सी सी प्लस प्लस में डिफरेंस जान लिया। लेकिन अभी एक डिफरेंस रह गया, सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, जब दोनों उसको फॉलो करते हैं। इफ बोथ आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सो व्हाट इज द डिफरेंस? बिकॉज जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा डज नॉट हैव अ पॉइंटर, है ना। जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जावा डज नॉट हैविंग डिस्ट्रक्टर, जावा हैविंग ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसको डिटेल में जानेंगे हम, ठीक है ना। तो भाई ये सब जानने के बाद जावा पे आएंगे और जावा के फीचर्स के बारे में फिर जानेंगे। जावा के बहुत सारे फीचर, जैसे जावा सिंपल है, सिक्योर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मल्टी थ्रेडेड है, ओपन सोर्स है, डायनेमिक है, ये सारा चीज बताएंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेशन में अभी इतना रहने देते हैं।